हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये एक बल्ब है ओरियंट का 5 वाट का, जिसको रिपेयर करेंगे। ये एलईडी बल्ब जो है ये फुल डेड कंडीशन में है। मैं आपको चेक करा देता हूं यहां पे सबसे पहले कि आप देखेंगे कि ये फुल डेड कंडीशन में है, और इसी जगह पे अगर हम दूसरा एलईडी बल्ब लगाते हैं तो वो हमारा काम कर रहा है। तो ये जो हमारा बल्ब है फुल डेड कंडीशन में, इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो ऊपर का डिफ्यूजर है ये हटा लेते हैं। तो डिफ्यूजर इस तरीके से हमको हटा लेना है, जैसा आपने देखा यहाँ पे, इस तरीके से आप डिफ्यूजर हटा लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो एसएमडी एलईडी लगी हुई है, यहाँ पे 5 एसएमडी एलईडी लगी है। तो हम सबसे पहले मैनुअली देख लेते हैं कि हमारी एसएमडी एलईडी कोई अगर किसी पे स्पॉट है तो वो हमारी खराब होती है। वैसे यहाँ पे कोई हमारी एसएमडी एलईडी खराब नहीं दिख रही है। तो अब हम सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी एसएमडी खराब नहीं है और हमारा ड्राइवर जो है इसका वो खराब है। तो यहाँ पे जो हमारा मीटर है, मल्टीमीटर, इसको हमें 200 वोल्ट वाले सेक्शन पे लगा लेना है। इसके बाद हम इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर की प्रोब से इसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेने हैं। वहां पे आप देखेंगे मल्टीमीटर में कोई भी आउटपुट वोल्टेज शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर। इसका मतलब ये हमारा जो एलईडी बल्ब है इसका ड्राइवर जो है वो डैमेज है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसकी हीट सिंक निकालनी होगी सबसे पहले। तो हीट सिंक निकालने के लिए आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो बाहर बॉडी का जो हीट सिंक है, और ये हमारा जहां पे एमपीसीबी लगा है, इस हीट सिंक में हमें स्पेस बनाना होता है। तो आप पहले मैनुअली देख लीजिए, कहीं पे अगर आपको स्पेस जहां पे ज्यादा दिख रहा हो उस जगह पे आप स्क्रू ड्राइवर जो है वो अपना डालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं जाता है तो आप जो ऊपर वाली हीट सिंक है उसको इस तरीके से मोड़ देंगे अंदर को, इस तरीके से, जैसे आपने देखा कि यहां पे मैंने इस तरीके से मोड़ दिया है। अब ये गैप बन गया है, तो इस गैप में हम धीरे से डालेंगे। तो ये हमारा जो एमपीसीबी है जिसपे हीट सिंक लगा है ये हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंदर हमारा ड्राइवर सर्किट है। तो अब हमें ड्राइवर सर्किट जो है इसको बाहर निकालना है। तो ड्राइवर सर्किट बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के जो हमारे कनेक्टर्स हैं इन पे जो रांगा लगा है इसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हटा लेते हैं हम अपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो इस तरीके से हम इसका जो रांगा है इसको धीरे से मेल्ट कर लेंगे, जैसा आपने देखा यहाँ पे हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको मेल्ट कर लेना। इसके बाद ऐसे थोड़ा सा आप नीचे को ठोकेंगे तो ये जो है ये रांगा जो है ये निकल जाएगा। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। यहाँ पे प्रॉपरली अगर आप निकाल लेंगे इसका जो सोल्डर है तो जो वायर्स हैं वो हमारे फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका जो रांगा है वो निकाल लेना है। इसके बाद इसमें जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनको आपको ऊपर करना है, इस तरीके से इनको फ्री करना है हमको। तो इनको भी हम फ्री कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा सोल्डर है वो सोल्डर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका निकालना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ड्राइवर है जो, इसको थोड़ा सा हिला डुला के आप इसको लूज करने की कोशिश करेंगे और इसको बाहर खींचने की कोशिश करनी है इस तरीके से। अगर आसानी से आ जाता है तो अच्छी बात है। इस तरीके से जैसा कि आपने देखा मैंने इसको निकालने की कोशिश की है, लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि हमारी जो ट्रैक है ये थोड़ी सी कट सी गई है, तो इसको हम बाद में रिपेयर कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे ड्राइवर सर्किट में कि हमारी क्या फॉल्ट है। सबसे पहले मैनुअली देखना होता है, तो आप मैनुअली देखेंगे यहां पे। तो हमारा जो एमओबी है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको एमओबी में एक गैप दिख रहा होगा, ये एमओबी जो है ये फट गया है कुछ, और हमारी जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसमें भी आपको क्रैक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यही दो कंपोनेंट देखने होते हैं कि, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हमको निकाल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम फ्यूज रेजिस्टेंस के आगे पॉइंट पे, फ्यूज रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे लगी है, ये पॉइंट है, इसके आगे पॉइंट यानी यहाँ पे हमको सप्लाई देके देख लेना है एमओवी हटाने के बाद। तो चलिए एमओवी जो है उसकी एक लेग हम हटा देते हैं और फिर हम इस पे सप्लाई देके हमारा एलईडी बल्ब जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसकी एक लेग जो है वो हटा दी है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पास से, ये जो लेग है ये हमारी हट गई है, आप देख पा रहे होंगे। और फ्यूज रेजिस्टेंस की हमें आगे सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस है और सप्लाई हमको इस पॉइंट पे देनी है, क्योंकि ये बीच से ओपन हो गई है, तो हमें सप्लाई जो है वो इस पॉइंट पे देनी है। तो एक सप्लाई तो हमारी इस पॉइंट पे हो गई और दूसरी सप्लाई हमको यहीं पे दे देनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और चूंकि इस तरफ वाली जो हमारी सप्लाई है ये फिर हमारी ड्रम इंडक्टर से होके गई है, अगर फिर भी नहीं चलता है तो फिर ड्रम इंडक्टर भी हमारा ओपन होगा, तो ड्रम इंडक्टर को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले हम इतना चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सीरीज जो है ये ले लिया है और हम इस पे सप्लाई देके देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पे सप्लाई दी तो हमारा एलईडी बल्ब जो है ये प्रॉपरली ग्लो करने लगा। तो इस तरीके से एलईडी बल्ब जो है ये हमारा ठीक हो चुका है। इसमें हमको अब क्या करना है, एक एमओवी और एक फ्यूज रेजिस्टेंस हमें नई लगानी पड़ेगी, क्योंकि एमओवी लगाना जरूरी है आगे अगली बार हमारा जो एलईडी बल्ब है इसमें ओवर वोल्टेज आने पर खराब ना हो, इसके लिए हमको इसमें एमओवी लगाना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।